नमस्कार मित्रों, ई स्पिरिट वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं हिमालय पर्वत पर स्थित अमरनाथ गुफा के बारे में। श्री अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके संबंध में मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात श्री अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा को कुछ शिव भक्त स्वर्ग की प्राप्ति का माध्यम बताते हैं, तो कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति का। हर साल श्रावण मास में पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाला हिम शिवलिंग ऐसा दैवी चमत्कार है जिसे देखने के लिए हर कोई ललायत रहता है और जो देख लेता है वो धन्य हो जाता है। भारत के कोने कोने से और विदेशों से असंख्य शिव भक्त लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की गुफा में प्रकृति के इस चमत्कार के दर्शन करने के लिए अनेकों बाधाएं पार करके भी पहुंचते हैं। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। कश्मीर घाटी में स्थित पावन श्री अमरनाथ गुफा प्राकृतिक है। यह पावन गुफा लगभग 160 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी और काफ़ी ऊंची है। कश्मीर में वैसे तो 45 शिवधाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मा धाम, 22 शक्ति धाम और 700 नाग धाम तथा असंख्य तीर्थ हैं, पर श्री अमरनाथ धाम का सबसे अधिक महत्व है। काशी में लिंग दर्शन एवं पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, नैमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र से 1,000 गुना फल देने वाला श्री अमरनाथ धाम का पूजन है। देवताओं की हजारों वर्षों तक स्वर्ण पुष्प, मोती एवं पट्टा वस्त्रों से पूजा का जो फल मिलता है वह श्री अमरनाथ की रसलिंग पूजा के एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। श्री अमरनाथ गुफा में शिव भक्त प्राकृतिक हिम शिवलिंग के साथ साथ बर्फ से ही बनने वाले प्राकृतिक शेषनाग, श्री गणेश पीठ व माता पार्वती पीठ के दर्शन करते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रतिवर्ष बनने वाले हिम शिवलिंग में इतनी चमक विद्यमान होती है कि देखने वालों की आंखों में चकाचौंध कर देती है। हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। मान्यता तो यह भी है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। भगवान शिव ने माता पार्वती को सृष्टि की रचना की कथा इसी अमरनाथ गुफा में सुनाई थी। इस गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक बहुत ही नेक और दयालु मुसलमान गढ़रिये ने की थी। एक दिन भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कांगड़ी दे दी। घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह सोना पाया तो वो बहुत हैरान हुआ। उसी समय साधु का धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु वहां साधु को न पाकर विशाल गुफा को देखा। उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थ स्थान बन गया। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शनार्थ पधारे। भगवान शंकर उस समय वन विहार को गए हुए थे और पार्वती जी वहां विराजमान थी। पार्वती जी ने देवर्षि के आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, देवी, भगवान शंकर जो हम दोनों से बड़े हैं कि गले में मुंड माला क्यों है। भगवान शंकर के वहां आने पर यही प्रश्न पार्वती जी ने उनसे किया। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। इस पर पार्वती जी के हृदय में भी अमरत्व प्राप्त करने की भावना पैदा हो गई और वह भगवान से कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। भगवान शंकर ने बहुत वर्षों तक टालने का प्रयत्न किया, परंतु अंततः उन्हें अमर कथा सुनाने को बाध्य होना पड़ा। अमर कथा सुनाने के लिए यह समस्या थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने, इसलिए शिवजी पांचों तत्वों पृथ्वी,
जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इस पर्वतमाला में पहुंच गए और श्री अमरनाथ गुफा में पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। श्री अमर कथा गुफा ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। उसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर शिव भगवान ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। इसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती ने इस पर्वत शिखला में तांडव किया था। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना गया है। सब कुछ छोड़ अंत में भगवान शिव ने इस गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाई कि विदंती के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, जो सामान्यतः अगस्त के बीच में पड़ती है, भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। ऐसा भी ग्रंथों में लिखा मिलता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले पहल श्रावण की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को श्री अमरनाथ की यात्रा का विशेष महत्व मिला। श्रावण की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। श्री अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। इस संबंध में अमरेश महादेव की कथा भी मशहूर है। इसके अनुसार आदिकाल में ब्रह्म, प्रकृति, अहंकार, स्थावर, पर्वतादि, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में हुए थे। देवता भगवान सदाशिव के पास आए क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय था। भय से त्रस्त सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर मृत्यु बाधा से मुक्ति का उपाय पूछा। भोलेनाथ स्वामी बोले, मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर से अमृत बूंद पृथ्वी पर गिरकर सूख गए। पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बूंद के कण हैं। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम निछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए और देवताओं से कहा, देवताओं, आपने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब आप यहीं अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाएं। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। भगवान सदाशिव देवताओं को ऐसा वर देकर उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव महाराज ने देवताओं की मृत्यु का नाश किया, इसलिए तभी उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ है। मनुष्य श्री अमरनाथ जी की यात्रा करके शुद्धि को प्राप्त करता है तथा शिवलिंग के दर्शनों से भीतर बाहर से शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम, वचन तथा मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अमरनाथ धाम पहुंचना सौभाग्य की बात है। वहां भगवान शिव के दर्शन करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। बाबा बर्फानी की गुफा में प्रवेश करके भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति का एहसास होता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।